नमस्कार दोस्तों, मैं कृणाल पाचपांडे स्वागत करता हूँ आपका हमारी YouTube चैनल श्री रिसर्च एंड इंजीनियरिंग की क्रियो स्केचर वर्कबेंच की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम क्रियो के स्केचर वर्कबेंच के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्रियो के स्केचर वर्कबेंच के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी के सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो दोस्तों आपको क्रियो के स्केचर वर्कबेंच के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसी के साथ दोस्तों, यदि आपने आज के हमारी इस क्रियो के स्केचर वर्कबेंच की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा तो दोस्तों आपको क्रियो के स्केचर वर्कबेंच को सीखने के लिए और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों, जो क्रियो में स्केचर वर्कबेंच होता है वही हमारा क्रियो का बेसिक वर्कबेंच होता है, क्योंकि कोई भी कमांड ड्रॉ करने के लिए हमें स्केच को ड्रॉ करना इसेंशियल होता है। इसलिए दोस्तों, जब हम स्केच को ड्रॉ कर सकेंगे तभी हम किसी भी कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें क्रियो के स्केचर वर्कबेंच को सीखना इसेंशियल होता है। दोस्तों, क्रियो के स्केचर वर्कबेंच को डिटेल में सीखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने हमारी इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जब भी आप क्रियो पैरामेट्रिक के सॉफ्टवेयर में एंटर करते हो तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में एंटर करने के बाद सबसे पहला वर्क होता है हमारा कि हमें सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड में जाके वर्किंग डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना होता है। अब दोस्तों, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? तो दोस्तों, क्रियो में हम जो भी वर्क करते हैं वो वर्क हमारा किस लोकेशन पे सेव होगा वो हम इस सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड का यूज करके सेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड पे क्लिक किया और सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पॉपअप विंडो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सेट करना होता है कि आपका जो वर्क है वो किस लोकेशन पे सेव होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अब यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी में जाके यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, उसे मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे प्रैक्टिस और ओके कर लिया। अब हमारा जो भी वर्क होगा वो हमारे न्यू वॉल्यूम डी के प्रैक्टिस वाले फोल्डर में सेव होगा। तो मैं यहाँ ओके करके वर्किंग डायरेक्टरी को सेट कर लेता हूं। अब हमने यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी को कैसे सेट करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। तो अब हम एंटर करेंगे क्रियो के स्केचर वर्कबेंच में। तो क्रियो के स्केचर वर्कबेंच में एंटर करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे न्यू वाली कमांड पे क्लिक करके यहाँ पे स्केच पे क्लिक करके भी हम डायरेक्टली स्केच वर्कबेंच में एंटर कर सकते हैं। उसी के साथ यदि हम इस पार्ट वर्कबेंच पे क्लिक करते हैं तो पार्ट वर्कबेंच पे क्लिक करने के बाद, पार्ट वर्कबेंच में जाने के बाद हम किसी भी कमांड से भी डायरेक्टली स्केच वर्कबेंच में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम डायरेक्टली स्केच वर्कबेंच में कैसे एंटर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया। अब स्केच वर्कबेंच पे क्लिक करने के बाद आपको स्केच फाइल किस नाम से सेव करनी है वो नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो नाम डिफाइन करने के वक्त आप यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस का यूज नहीं कर सकते। आप सिंपली अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक वर्ड का यूज करके ही यहाँ पे नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस टू नाम से एक फाइल बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस टू डिफाइन किया। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया हम डायरेक्टली स्केच वर्कबेंच में एंटर कर लिए हैं। उसी के साथ एक अलग मेथड होती है हमारे स्केच वर्कबेंच में एंटर करने के लिए। मैं यहाँ फिर से बैक जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ बाय डिफॉल्ट पार्ट पे क्लिक है, मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पार्ट वर्कबेंच ओपन हो चुका है। तो इस पार्ट वर्कबेंच में इस स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी आप स्केच वर्कबेंच में एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया। अब दोस्तों आपको स्केच प्लेन सिलेक्ट करना होता है कि आपको किस प्लेन पे स्केच ड्रॉ करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडल ट्री में जाके फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट किया। अब फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उस प्लेन का ओरिएंटेशन सेट करना होता है। मीन्स आपको इस फ्रंट प्लेन के रेफरेंस में कौन सा प्लेन चाहिए। उसी के साथ यदि आपको फ्रंट प्लेन को फ्लिप करना है, मीन्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्केच ड्रॉ करना है,
तो आप यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस स्केच प्लेन की सेटिंग कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया तो हम डायरेक्टली स्केचर वर्कबेंच में एंटर कर लिए हैं। अब दोस्तों स्केचर वर्कबेंच में एंटर करने के बाद यदि मुझे इस स्केच प्लेन को स्क्रीन के पैरेलल में सेट करना है तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस ग्राफिक टूल बार में जाके इस स्केच व्यू पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने स्केच व्यू पे क्लिक किया, हमारा स्केच प्लेन हमारे स्क्रीन को पैरेलल हो चुका है। स्केच प्लेन को स्क्रीन को पैरेलल करने के बाद ये जो स्केच वर्कबेंच में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं उन सभी ऑप्शन को डिटेल में सीखेंगे। तो यदि दोस्तों आपको स्केच को ड्रॉ करना है तो स्केच को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे स्केचिंग टूल बार में ये जो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि लाइन ऑप्शन, रेक्टेंगल ऑप्शन, सर्कल ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन से हमें स्केच ड्रॉ करना होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस क्रियो के स्केचर वर्कबेंच में हम स्केच को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यदि दोस्तों हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइन कमांड पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों लाइन कमांड पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले लाइन के फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए मैं माउस से जिस पॉइंट से मुझे लाइन को ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे माउस का कर्सर ले जाके माउस से लेफ्ट की को प्रेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट बटन को प्रेस किया तो यहां से मेरी लाइन स्टार्ट हो रही है। अब उसके बाद आपको लाइन के सेकंड एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने सेकंड एंड पॉइंट के रूप में यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। और यदि अब आपको इस लाइन बनाने के ऑपरेशन से एग्जिस्ट करना है तो आपको माउस से मिडल स्क्रॉल बटन को प्रेस करना होगा। अब दोस्तों माउस के मिडल स्क्रॉल बटन को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लाइन बनाने के ऑप्शन से तो एग्जिस्ट कर लिया है, लेकिन दोस्तों मैं कमांड में अभी भी एक्टिव हूँ, से भी एग्जिस्ट करना है तो मुझे फिर से माउस के मिडल स्क्रॉल बटन को प्रेस करना होगा। मीन्स आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के बाद यदि आप दो बार माउस से मिडल स्क्रॉल बटन को प्रेस करते हैं तो आप किसी भी कमांड से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फिर से माउस के मिडल स्क्रॉल बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस कमांड से भी एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो इसी तरह दोस्तों यदि आपको कौन से भी दो पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इस लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मैंने स्टार्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पे एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद एंड पॉइंट के रूप में यहाँ पे पॉइंट को सिलेक्ट किया तो इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो अब मैं मेरे माउस के मिडल स्क्रॉल बटन को दो बार प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे कमांड से डायरेक्टली एग्जिस्ट कर चुका हूँ। अब दोस्तों क्रियो में जो हमारी डिफॉल्ट सिस्टम होती है उस डिफॉल्ट सिस्टम में जो हमारे डायमेंशन होते हैं वो डायमेंशन हमारे डायरेक्टली प्लेस होती है। कटिया में जैसे हम किसी भी एंटिटीज को इंडिविजुअल जाके डायमेंशन प्लेस करते हैं वैसे हमारे क्रियो में इंडिविजुअल डायमेंशन प्लेस करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम क्रियो के स्केचर वर्कबेंच में लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों इस लाइन कमांड में एक सेकंड वाला ऑप्शन होता है, वो होता है हमारा लाइन टेंजेंट। तो इस लाइन टेंजेंट ऑप्शन को हम सर्कल ऑप्शन को सीखने के बाद सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस रेक्टेंगल ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों इस रेक्टेंगल ऑप्शन में हम चार टाइप से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है हमारा इस रेक्टेंगल कमांड में कॉर्नर रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक किया। अब कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आपको रेक्टेंगल के किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। अब कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद उस कॉर्नर पॉइंट से जाने वाले डायगोनल के सेकंड एंड पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने डायगोनल के सेकंड एंड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो इस डायगोनल के दोनों एंड पॉइंट से जाने वाला एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस सेकंड वाले स्लैंटेड रेक्टेंगल के बारे में। तो यदि आपको स्लैंटेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे स्लैंटेड रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा। स्लैंटेड रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आपको बेस लाइन के स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे बेस लाइन का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे बेस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है तो मैंने एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे क्लिक किया।
अब मुझे इस बेस लाइन से रेक्टेंगल की कितनी हाइट चाहिए उस हाइट के अनुसार थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने थर्ड पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक किया तो इस हाइट का, इस बेस लाइन की विड्थ का यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस सेंटर रेक्टेंगल के बारे में। तो यदि आपको सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने सेंटर पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपको वन एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने एक कॉर्नर पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक किया, तो इस कॉर्नर पॉइंट से जाने वाला इस सेंटर का यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस फोर्थ नंबर के ऑप्शन पैरेललोग्राम को। तो यदि आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम कमांड पे क्लिक किया। पैरेललोग्राम कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको बेस लाइन के स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने बेस लाइन के स्टार्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद बेस लाइन के एंड पॉइंट के रूप में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको आपका पैरेललोग्राम की हाइट कितनी चाहिए वो आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट के रूप में सिलेक्ट करनी होती है। तो मैंने पैरेललोग्राम के हाइट के रूप में यहाँ पे थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे इन तीन पॉइंट में से जाने वाला एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। दोस्तों तो यहाँ पे जो हमने स्लैंटेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और इस पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों इस स्लैंटेड रेक्टेंगल में ये जो बेस लाइन और हाइट के बीच में परपेंडिकुलरिटी होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बेस लाइन और हाइट में कौन से भी एंगल का कंस्ट्रेंट नहीं होता। आप यहाँ पे किसी भी एंगल में हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में सीखा रेक्टेंगल कमांड के बारे में। तो अब हम सीखेंगे सर्कल कमांड के बारे में। तो मैं यहाँ फिर से इन सभी रेक्टेंगल को डिलीट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन सभी रेक्टेंगल को डिलीट कर लिया। अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इस सर्कल कमांड के बारे में। तो सर्कल कमांड में सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा सेंटर पॉइंट। तो यदि आपको सेंटर पॉइंट टाइप का सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ पे सेंटर एंड पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट किया। तो सेंटर एंड पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद हमें सर्कल के सेंटर पॉइंट को डिफाइन करना होता है। तो मैंने सेंटर पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं सर्कमफेरेंस के ऊपर के एक पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो इस सेंटर और इस सर्कमफेरेंस के ऊपर हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया उन पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है उतने डिस्टेंस के रेडियस का यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों सेकंड टाइप होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यदि मुझे इस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल कमांड पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद मुझे किस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है उस सर्कल को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट किया तो इस सर्कल को यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड टाइप होता है यहाँ पे थ्री पॉइंट सर्कल। यदि आपको कौन से भी थ्री पॉइंट में से जाने वाला सर्कल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप इस थ्री पॉइंट सर्कल कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थ्री पॉइंट सर्कल कमांड पे क्लिक किया, अब मैंने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और थर्ड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो इन तीन पॉइंट में से जाने वाला एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। फिर से मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और थर्ड पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इन तीन पॉइंट में से भी जाने वाला फिर से हमने यहाँ पे एक थ्री पॉइंट सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप होता है सर्कल कमांड में थ्री टेंजेंट सर्कल। तो यदि हमें कौन से भी तीन एंटिटीज को टेंजेंट एक सर्कल ड्रॉ करना है तो हम इस थ्री टेंजेंट सर्कल कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस थ्री टेंजेंट सर्कल कमांड पे क्लिक किया। थ्री टेंजेंट सर्कल कमांड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। अब तीसरे एंटिटीज के रूप में मैं यहाँ पे इस ऊपर वाले सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। तो इन तीनों एंटिटीज को यहाँ पे टेंजेंट सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस सर्कल कमांड का यूज करके हम त्रियों के स्केचर वर्कबेंच में सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो लाइन कमांड में हमारा सेकंड वाला ऑप्शन था लाइन टेंजेंट, इस लाइन टेंजेंट ऑप्शन के बारे में। तो यदि आपको दोस्तों कौन से भी दो एंटिटीज को टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है
तो हम इस लाइन टेंजेंट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि यदि मुझे कौन से भी दो सर्कल को टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन टेंजेंट कमांड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने फर्स्ट सर्कल के रूप में इस सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद सेकंड एंटिटीज के रूप में मैंने यहाँ पे सेकंड सर्कल को सिलेक्ट किया, तो इन दोनों सर्कल को टेंजेंट यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो ये यूज होता है इस लाइन टेंजेंट कमांड का। तो यहाँ पे हमने डिटेल में सीखा इस सर्कल लाइन एवं रेक्टेंगल कमांड के बारे में। तो अब हम डिटेल में सीखने वाले हैं इस आर्क कमांड के बारे में। तो यदि दोस्तों आपको आपके स्केच में आर्क ड्रॉ करना है, तो आर्क ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा थ्री पॉइंट आर्क। तो थ्री पॉइंट आर्क में आप किसी भी थ्री पॉइंट को सिलेक्ट करके इन तीन पॉइंट में से जाने वाला आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड टाइप होता है हमारा सेंटर एंड एंड आर्क। तो सेंटर एंड एंड आर्क में आप सबसे पहले आर्क के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप आर्क के दो एंड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारा थ्री टेंजेंट आर्क। तो थ्री टेंजेंट आर्क में आप कौन से भी तीन एंटिटीज को टेंजेंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक आर्क। तो कॉन्सेंट्रिक आर्क में आप कौन से भी आर्क को कॉन्सेंट्रिक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट टाइप होता है हमारा कोनिक आर्क। तो कोनिक आर्क में आप यूजर डिफाइंड प्रोफाइल का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे थ्री पॉइंट आर्क को। तो थ्री पॉइंट आर्क को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेकंड पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद मुझे जिस शेप का आर्क चाहिए उस शेप के अनुसार मैं थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने थर्ड पॉइंट के रूप में यहाँ पे क्लिक किया, तो इन तीनों पॉइंट में से जाने वाला एक आर्क हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे सेकंड ऑप्शन के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा सेंटर एंड एंड आर्क। तो सेंटर एंड एंड आर्क को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं आर्क के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने आर्क के सेंटर पॉइंट के रूप में यहाँ पे एक पॉइंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं आर्क के वन एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज पोजिशन में जाके मैं आर्क के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो इस सेंटर, इस फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का यूज करके हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस थर्ड ऑप्शन के बारे में, थ्री टेंजेंट आर्क। तो यदि हमें कौन से भी तीन एंटिटीज को टेंजेंट आर्क ड्रॉ करना है, तो हम इस थ्री टेंजेंट आर्क कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस थ्री टेंजेंट आर्क कमांड पे क्लिक किया। अब यदि मुझे इन तीनों सर्कल को टेंजेंट आर्क ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, और अब मुझे तीसरी कौन सी एंटिटी चाहिए, तो तीसरी एंटिटी मुझे इस नीचे वाला सर्कल चाहिए। तो मैंने नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट किया, तो इन तीनों सर्कल को टेंजेंट यहाँ पे एक आर्क क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा थ्री टेंजेंट आर्क के बारे में। तो अब हम सीखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक आर्क के बारे में। तो यदि मुझे किसी आर्क को कॉन्सेंट्रिक आर्क ड्रॉ करना है, तो मैं इस कॉन्सेंट्रिक आर्क कमांड का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि यदि मुझे इस आर्क को कॉन्सेंट्रिक नंबर ऑफ आर्क ड्रॉ करने हैं, तो मैं इस आर्क को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इस आर्क को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक आर्क के स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक आर्क के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस आर्क को कॉन्सेंट्रिक एक आर्क यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ आर्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस आर्क कमांड में लास्ट वाले ऑप्शन कोनिक आर्क के बारे में। तो इस कोनिक आर्क कमांड पे मैंने क्लिक किया, तो इस कोनिक आर्क कमांड का यूज करके आप किसी भी यूजर डिफाइंड प्रोफाइल का आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे जो पिछले वाले आर्क थे वो हमारे सर्कुलर शेप के थे, लेकिन यदि हमें यूजर डिफाइंड शेप का आर्क ड्रॉ करना है, तो हम इस प्रोफाइल आर्क कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने आर्क के फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद आर्क के एंड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब मुझे जिस प्रोफाइल का आर्क ड्रॉ करना है, उस प्रोफाइल के अनुसार मैं थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने थर्ड पॉइंट के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीन पॉइंट में से जाने वाला एक आर्क यहाँ पे यूजर डिफाइंड शेप का क्रिएट हुआ है।
तो यहाँ पे हमने देखा इस आर्क कमांड के बारे में। तो अब हम डिटेल में सीखेंगे इलिप्स कमांड के बारे में। तो मैं यहाँ पे ये जो हमने ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ की है उस ज्योमेट्री को यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो अब हम डिटेल में सीखेंगे इस इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स कमांड में हमारे दो टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा एक्सिस एंड इलिप्स, और सेकंड टाइप होता है हमारा सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स। तो चलिए आज डिटेल में सीखते हैं फर्स्ट टाइप एक्सिस एंड इलिप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इस एक्सिस एंड इलिप्स के ऊपर। तो मैंने एक्सिस एंड इलिप्स पे क्लिक किया। उसके बाद हमें मेजर एक्सिस के स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद हमें मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। अब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद हमें माइनर एक्सिस के वन एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने माइनर एक्सिस के वन एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया। तो इन तीन पॉइंट में से जाने वाला एक इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मेजर एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और माइनर एक्सिस के वन एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस इलिप्स कमांड में जो सेकंड वाला टाइप होता है सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स, इस सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स के बारे में। तो इस सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इलिप्स के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट के रूप में यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेजर एक्सिस के वन एंड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे मेजर एक्सिस के वन एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया। तो अब मैं यहाँ पे माइनर एक्सिस के वन एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट और मेजर और माइनर एक्सिस के एक एक एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे एक इलिप्स ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस इलिप्स कमांड का यूज करके हम क्रियो के स्केचर वर्कबेंच पे इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। अब दोस्तों हम डिटेल में सीखेंगे इस स्प्लाइन कमांड के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि स्प्लाइन क्या होती है। दोस्तों स्प्लाइन एक यूजर डिफाइंड शेप की कंटिन्यूअस टेंजेंट लाइन होती है। तो स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्प्लाइन पे क्लिक किया। स्प्लाइन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इस वर्टेक्स पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। बाद में फिर से यहाँ पे एक पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। जिस प्रोफाइल का मुझे स्प्लाइन ड्रॉ करनी है उस प्रोफाइल के अनुसार मैं नंबर ऑफ पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। और जब मुझे लगे कि मेरा स्प्लाइन बनाने का ऑपरेशन खत्म हुआ है तब मैं मेरे माउस से मिडल स्क्रॉल बटन को दो बार प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वर्टेक्स के अनुसार यहाँ पे कंटिन्यूस टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम स्प्लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इस फिलेट चैम्फर एवं टेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे फिलेट कमांड को सीखने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस फिलेट कमांड के बारे में। तो दोस्तों फिलेट क्या होता है। तो यदि दोस्तों आपको किसी भी कॉर्नर पॉइंट के ऊपर राउंड शेप क्रिएट करना है तो आप इस फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो फिलेट कमांड में हमारे चार ऑप्शंस होते हैं। यदि आपको सर्कुलर शेप का फिलेट ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे सर्कुलर कमांड पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपको फिलेट इलेप्टिकल शेप की चाहिए तो आप यहाँ पे इलेप्टिकल शेप की भी फिलेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सीखूंगा कि सर्कुलर फिलेट यदि हमें ड्रॉ करनी है तो हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कुलर फिलेट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फिलेट में जाके इस सर्कुलर कमांड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे जिस कॉर्नर पॉइंट पे फिलेट ड्रॉ करनी है उस कॉर्नर पॉइंट वन एज को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट किया। उसके बाद सेकंड एज को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों एज के बीच में यहाँ पे एक फिलेट क्रिएट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों एज की यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन शो हो रही है। यदि आपको इस एक्सटेंशन लाइन को शो नहीं करना तो आप फिलेट में जाके इस सर्कुलर ट्रिम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सर्कुलर ट्रिम पे क्लिक किया। तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों एज के बीच में एक सर्कुलर फिलेट ड्रॉ करूंगा। मैंने फर्स्ट वाली एज को इसे सिलेक्ट किया, सेकंड वाली एज को इसे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो फिलेट क्रिएट हो रही है उस फिलेट के बाहर दोस्तों एक्सटेंशन लाइन नहीं है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि इस फिलेट कमांड में सर्कुलर ट्रिम कमांड का यूज करके हम विदाउट एक्सटेंशन लाइन वाली फिलेट यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहली दो फिलेट ड्रॉ की उसका शेप सर्कुलर था। अब यदि हमें इलिप्टिकल शेप की फिलेट ड्रॉ करनी है तो हम इस इलिप्टिकल कमांड पे क्लिक करेंगे। तो इलिप्टिकल फिलेट कमांड पे क्लिक करने के बाद इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इस एज को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलिप्टिकल प्रोफाइल की एक फिलेट यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब दोस्तों इस इलिप्टिकल फिलेट के बाहर भी यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन है। यदि मुझे इस एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए तो मैं इस फिलेट कमांड में जाके इस लास्ट वाले ऑप्शन इलिप्टिकल ट्रिम को सिलेक्ट करूंगा। तो इलिप्टिकल ट्रिम पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट किया और इस एज को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाउट एक्सटेंशन लाइन की यहाँ पे फिलेट ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है वो हमारे डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन है। मैं यहाँ पे उसे मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन लाइन नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस फिलेट कमांड का यूज करके आप किसी भी कॉर्नर पॉइंट के ऊपर राउंड शेप, सर्कुलर शेप में या इलिप्टिकल शेप में फिलेट के रूप में कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस चैम्फर कमांड के बारे में। तो जिस तरह से दोस्तों आप किसी भी कॉर्नर पॉइंट के ऊपर राउंड शेप क्रिएट करते हैं फिलेट कमांड का यूज करके, उसी तरह दोस्तों यदि आपको किसी भी कॉर्नर पॉइंट के ऊपर एक स्लोप टाइप का चैम्फर क्रिएट करना है तो आप इस चैम्फर कमांड का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इस चैम्फर कमांड के बारे में। तो चैम्फर कमांड में हमारे दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा चैम्फर और सेकंड होता है चैम्फर ट्रिम। तो यदि आपको एक्सटेंशन लाइन वाला चैम्फर क्रिएट करना है तो आप इस चैम्फर कमांड पे क्लिक कीजिए, और यदि आपको चैम्फर के बाहर एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए तो आप चैम्फर ट्रिम कमांड पे क्लिक कीजिए। तो मैंने यहाँ पे चैम्फर कमांड पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इस कॉर्नर पॉइंट पे चैम्फर क्रिएट करना है, और इस सेकंड वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे एक चैम्फर क्रिएट हो चुका है। आप इस डायमेंशन को यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड टाइप जो होता है चैम्फर कमांड में, चैम्फर ट्रिम के बारे में। तो यदि हमें विदाउट एक्सटेंशन लाइन वाला चैम्फर क्रिएट करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। तो इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे विदाउट एक्सटेंशन लाइन वाला चैम्फर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा इस चैम्फर कमांड के बारे में। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इस टेक्स्ट कमांड के बारे में। तो यदि दोस्तों आपको किसी भी स्केच के ऊपर टेक्स्ट ड्रॉ करना है तो आप इस टेक्स्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट कमांड पे क्लिक किया। पे क्लिक करने के बाद आपको किस विड्थ का टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है, उस विड्थ के अनुसार आपको सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस के विड्थ का यहाँ पे एक टेक्स्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या टेक्स्ट ड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है इस एंटर टेक्स्ट में। तो हम यहाँ पे क्रियो नाम को एंटर करेंगे। तो क्रियो नाम को एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किस फॉन्ट का चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट लैटिन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर कर लिया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और वर्टिकल अलाइनमेंट भी यहाँ पे मिडल में कर लेता हूँ और ओके कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये दो पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का यहाँ पे क्रियो शब्द यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह से आप इस टेक्स्ट कमांड का यूज करके स्केच के ऊपर टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं फिर से इस क्रियो लिखे हुए शब्द के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकता हूँ, और उस टेक्स्ट का हमने जो फॉन्ट सिलेक्ट किया है, अलाइनमेंट सेट की है, उन अलाइनमेंट को भी हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट को फिल कर लेता हूं, उसके बाद यहाँ पे लिप कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिप करने के बाद हमारा जो वर्ड इस सिलेक्टेड लाइन से लेफ्ट वाले साइड में हो चुका है। राइट करूंगा तो यहाँ पे राइट वाले साइड में हो जाएगा यहाँ पे।
अब एस्पेक्ट रेशो को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं उसी के साथ में यहाँ पे स्लैंटेड रेक्टेंगल को चेंज कर रहा हूँ और स्पेसिंग को, तो क्या बदल होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि आपको ये वर्ड किसी आर्क के अलावा चाहिए तो आपको सबसे पहले आर्क ड्रॉ करना होता है और उस आर्क को यहाँ पे प्लेस अलोंग कर्व में जाके सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें किसी भी आर्क के अलोंग नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ओके कर लिया। तो यहाँ पे क्रियो वर्ड हमारा इस स्केच के ऊपर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा इस टेक्स्ट कमांड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे सीखते हैं इस ऑफसेट कमांड के बारे में। तो यदि दोस्तों आपको किसी एंटिटीज को स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कॉपी क्रिएट करना है तो आप इस ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस ऑफसेट कमांड पे क्लिक किया। अब मुझे इस सिंगल एंटिटीज को यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे इस सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इस एंटिटीज को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे उस वैल्यू को एंटर करूंगा कि मुझे कितने डिस्टेंस पर ऑफसेट चाहिए। तो मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ 20। अब मुझे इस एरो के डायरेक्शन में ही ऑफसेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू को एंटर किया। यदि मुझे एरो के अपोजिट डायरेक्शन में ऑफसेट चाहिए तो मैं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू को एंटर करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन को हमने 20 के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑफसेट क्रिएट किया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप होता है यहाँ पे चेन। यदि मुझे इन दोनों एंटिटीज को एक साथ ऑफसेट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे चेन पे क्लिक करूंगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इस लाइन को भी सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे एरो के अपोजिट डायरेक्शन में कॉपी क्रिएट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव में वैल्यू को एंटर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे निगेटिव में 30 एंटर किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन को हमने यहाँ पे 30 के डिस्टेंस पे कॉपी क्रिएट की है, मीन्स ऑफसेट क्रिएट किया है। अब यदि आपके पास कोई क्लोज लूप है तो आपको यहाँ पे लूप को सिलेक्ट करना होगा। अब मुझे इस रेक्टेंगल को ऑफसेट क्रिएट करना है, तो इस रेक्टेंगल को ऑफसेट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लूप पे क्लिक किया। अब मैं रेक्टेंगल की एक साइड को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और मुझे इस रेक्टेंगल के आउटसाइड में ऑफसेट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ फिर से निगेटिव में वैल्यू एंटर करूंगा, तो मैंने यहाँ पे निगेटिव में 35 एंटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल को हमने -35 वैल्यू को एंटर करके आउटसाइड डायरेक्शन में ऑफसेट क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप किसी भी एंटिटीज को इस ऑफसेट कमांड का यूज करके स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि यदि हम इस ऑफसेट कमांड का यूज करके किसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं या फिर किसी भी एंटिटीज को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है, मींस इस रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल की स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हमारी एक कॉपी क्रिएट हुई है। यदि हमें एक साथ दो कॉपियां क्रिएट करनी है और उस दो कॉपियों में हमें वेरिएबल डिस्टेंस रखना है तो हम इस थिकन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिर से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यदि आपको इस रेक्टेंगल को थिकन ऑफसेट क्रिएट करना है तो इस रेक्टेंगल को थिकन ऑफसेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस थिकन कमांड पे क्लिक करना होगा। थिकन कमांड पे क्लिक करने के बाद ये रेक्टेंगल है, इसलिए हम यहाँ पे लूप पे सिलेक्ट करेंगे। लूप पे सिलेक्ट करने के बाद मैं किसी भी एक एज को सिलेक्ट करूंगा। किसी भी एक एज को सिलेक्ट करने के बाद मुझे कितने डिस्टेंस पे थिकन ऑफसेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे थिकन ऑफसेट की जो आउटसाइड वाली एज होगी उस आउटसाइड वाले एज के डिस्टेंस को यहाँ पे एंटर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 50 एंटर कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्योंकि आउटसाइड डायरेक्शन में ही चाहिए दूसरा भी ऑफसेट, तो मैं यहाँ पे माइनस में 20 को एंटर करूंगा और फिर से यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा रेक्टेंगल था उस रेक्टेंगल से यहाँ पे दो ऑफसेट क्रिएट हुए हैं। पहला ऑफसेट है हमारा ये और सेकंड ऑफसेट है हमारा ये। और उसके डायमेंशन भी आप देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू 50 एंटर की थी,
तो ये जो हमारा ओवरऑल आउटसाइड वाला जो ऑफसेट है वो हमारा 50 डिस्टेंस पे क्रिएट हुआ है। ये हमारे 30 और ये 20 कुल मिलाकर हो गया 50 वाला ऑफसेट है वो हमारा 30 के डिस्टेंस पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिकन ऑफसेट कमांड का यूज करके आप एक साथ दो ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एंटिटीज को। तो यदि आपको इस थिकन ऑफसेट को डिटेल में सीखना है तो इस थिकन ऑफसेट के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। तो यहाँ पे हमने सीखा इस थिकन ऑफसेट के बारे में। अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इस सेंटर लाइन पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो ये सेंटर लाइन पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस कमांड हमारी यहाँ पे भी होती है। तो यदि आपको इस सेंटर लाइन पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस को एज अ सॉलिड फॉर्म में क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे सेंटर लाइन पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस कमांड को यूज कीजिए। और यदि आपको इस सेंटर लाइन पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिर्फ रेफरेंस के रूप में यूज करना है, मीन्स उसको आपको 3D में शो नहीं करना है, तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर लाइन पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस दी है और यहाँ पे जो सेंटर लाइन पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस दी है उन दोनों टाइप पे ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। वहां पे हमने इन तीनों पॉइंट को डिटेल में सिखा है, उसी के साथ इन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने वहां पे डिस्कस किया है। तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है हमारी क्रियो के स्केचर वर्कबेंच में पैलेट कमांड। तो दोस्तों इस क्रियो के स्केचर वर्कबेंच में क्रियो की तरफ से हमें कुछ स्टैंडर्ड शेप दिए हुए होते हैं। यदि उस स्टैंडर्ड शेप को हमें हमारे स्केच में इंपोर्ट करना है तो हम इस पैलेट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पैलेट कमांड पे क्लिक किया तो पैलेट कमांड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इस पॉपअप विंडो में क्रियो की तरफ से हमें नंबर ऑफ स्टैंडर्ड शेप मिलते हैं और इस स्टैंडर्ड शेप को हम यहाँ से हमारे क्रियो के स्केच में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागॉन है, ऐसे अलग अलग शेप्स है। उसी के बाद प्रोफाइल में जाके भी ऐसे अलग अलग शेप्स है, आई प्रोफाइल है, सी प्रोफाइल है, टी प्रोफाइल है। उसी के साथ यहाँ पे ऐसे अलग अलग शेप्स है, स्टार्स है, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड प्रोफाइल को आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे इस यल प्रोफाइल को हमारे स्केच में इंपोर्ट करना है तो मैंने यहाँ पे इस यल प्रोफाइल पे माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक किया और प्रेस एंड होल्ड किया। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद तो अब मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को उस पोजीशन पे रिलीज करूंगा कि जिस पोजीशन पे मुझे इस स्टैंडर्ड शेप को इंपोर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को रिलीज किया। तो अब आप यहाँ ये जो शेप हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया उस शेप की आपको अलाइनमेंट कैसी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उस शेप की स्केल को सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे 30 कर लेता हूँ, मुझे 30 के स्केल में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटा हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप उसके एंगल को सेट कर सकते हैं। मैंने ये एंगल में यहाँ पे इसे 90 कर लिया, तो ये 90 डिग्री के एंगल में यहाँ पे रोटेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके कर लिया और इसे भी क्लोज कर लिया। तो इस तरह से इस पैलेट कमांड का यूज करके क्रियो में जो स्टैंडर्ड शेप सेव होते हैं उस स्टैंडर्ड शेप को हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में सीखा इस क्रियो के स्केचर वर्कबेंच में इस स्केचिंग टूल बार में जितनी सारी कमांड होती है उन सभी कमांड के बारे में। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इस एडिटिंग टूल बार में जितनी सारी कमांड होती है उन सभी कमांड के बारे में। तो मैं यहाँ पे इस ज्योमेट्री को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो इस ज्योमेट्री को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मुझे यदि इस वर्टिकल सेंटर लाइन के अलोंग इस रेक्टेंगल को मिरर करना है तो मैं इस मिरर कमांड का यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इस मिरर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब मुझे जिस एक्सिस के अलोंग मिरर करना है उस एक्सिस को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एक्सिस को सिलेक्ट करने के बाद ये रेक्टेंगल हमारा इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मिरर हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा
ये मॉडिफाई ऑप्शन। तो इस मॉडिफाई ऑप्शन में जाके आप आपके स्केच में जो डायमेंशन होते हैं उन डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको कौन से डायमेंशन को मॉडिफाई करना है उन डायमेंशन को आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने हमारी सभी डायमेंशन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कमांड पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉडिफाई ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू एंटर करके हमारे डायमेंशन क्या चाहिए वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला डायमेंशन मैंने यहाँ पे कर लिया इसे 1000। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे कर लूंगा 500 और थर्ड वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे कर लूंगा 250। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हमारे जो डायमेंशन है उनको यहाँ पे मॉडिफाई कमांड में जाके मॉडिफाई किया है। उसी के साथ आप किसी भी डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके भी उस डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि मुझे यहाँ पे इसे 750 करना है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उस डायमेंशन पे डबल क्लिक करके भी कर लिया। नेक्स्ट कमांड होती है दोस्तों हमारी डिवाइड कमांड। तो यदि हमें किसी एंटिटीज को किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिवाइड करना है, मींस ब्रेक करना है, तो हम इस डिवाइड कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिंगल एंटिटीज है ये एंटिटी हमारी कहाँ पे ब्रेक नहीं है, ये हमारी एक सिंगल एंटिटीज है। यदि मुझे इस सिंगल एंटिटीज को कहाँ पे डिवाइड करके इस सिंगल एंटिटीज की दो एंटिटीज के रूप में कन्वर्ट करना है तो मैं इस डिवाइड कमांड पे क्लिक करूंगा। अब मुझे इस सिंगल एंटिटीज को यहाँ से डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंगल एंटिटी यहाँ पे दो भागों में बट चुकी है। ये सेगमेंट हमारा एक अलग सेगमेंट है और ये सेगमेंट हमारा एक अलग सेगमेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा डिलीट सेगमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों इस डिलीट सेगमेंट ऑप्शन कमांड का यूज करके आप ज्योमेट्री के ऊपर किसी भी सेगमेंट या किसी भी एंटिटीज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिलीट सेगमेंट कमांड पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इस सेगमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेगमेंट यहाँ पे डिलीट हो चुका है। उसी के साथ दोस्तों यदि मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूंगा और होल्ड करूंगा और किसी भी एंटिटीज के ऊपर से क्रॉस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो एंटिटीज हमारी सिलेक्ट हो रही है वो एंटिटी हमारी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा इस डिलीट सेगमेंट कमांड का यूज करके आप किसी भी एंटिटीज को डिलीट कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा कॉर्नर ऑप्शन। तो दोस्तों इस कॉर्नर ऑप्शन कमांड का यूज करके आप किसी भी एक एंटिटीज को दूसरे एंटिटीज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने कॉर्नर ऑप्शन पे क्लिक किया, अब मुझे इस एंटिटी को इस एंटिटी तक एक्सटेंड करना है तो मैंने यहाँ पे इस एंटिटी को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको जिस एंटिटी तक एक्सटेंड करना है उस एंटिटी को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एंटिटी को हमने इस एंटिटी तक एक्सटेंड किया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा रोटेट एंड रीसाइज। तो यदि हमें हमने जो ज्योमेट्री ड्रॉ की है उस ज्योमेट्री को हमें किसी स्पेसिफिक एंगल में रोटेट करना है या फिर हमें उस ज्योमेट्री को किसी स्पेसिफिक साइज में स्केल करना है तो हम इस रोटेट रीड साइज कमांड का यूज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल को रोटेट एंड रीसाइज करना है तो मैंने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस रोटेट एंड रीसाइज कमांड पे क्लिक किया, मुझे अब मैं यहाँ पे उसकी स्केल सेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 की स्केल चाहिए तो यहाँ पे डबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे उसे कितने डिग्री के एंगल में रोटेट करना है उसे यहाँ पे सेट करूंगा तो मुझे 45 एंगल में रोटेट करना है तो यहाँ पे 45 एंगल में रोटेट हो चुका है। अब मुझे कितने एंगल पे ट्रांसलेट करना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 200 के डिस्टेंस पे ट्रांसलेट करना है तो आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पोजिशन से 200 के डिस्टेंस तक ट्रांसलेट हो चुका है। यहाँ से वर्टिकली ट्रांसलेट हो सकता है तो मैं यहाँ पे वर्टिकली 500 का डिस्टेंस यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस एंटिटी को यहाँ पे स्केल भी किया है, रोटेट भी किया है और ट्रांसलेट भी किया है। अब मैं यहाँ पे इसे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस एंटिटी को यहाँ पे रोटेट एंड रिसाइज किया है। तो अब हमने यहाँ पे इस एडिटिंग टूल बार को डिटेल में सीखा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सीखेंगे इस कंस्ट्रेंट टूल बार के बारे में।
तो यदि दोस्तों आपको किसी भी एंटिटीज को कंस्टेंट प्रोवाइड करने हैं तो आप इस कंस्टेंट टूल बार कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एंटिटी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस कंस्टेंट टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन। तो यदि मुझे किसी एंटिटीज को वर्टिकली प्लेस करना है तो मैं इस वर्टिकल ऑप्शन कमांड का यूज करता हूँ। तो मैंने इस वर्टिकल कमांड पे क्लिक किया। अब मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे इंक्लाइन से वर्टिकल हो चुकी है। अब यदि मुझे इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है तो मैं यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल कंस्टेंट पे क्लिक करूंगा और इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। अब दोस्तों यदि आपको किसी एक लाइन को दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर करना है तो आप यहाँ पे इस परपेंडिकुलर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस लाइन को इस लाइन से परपेंडिकुलर करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो चुकी है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पे टेंजेंट। यदि मुझे एक लाइन को दूसरे लाइन से टेंजेंट करना है तो मैं यहाँ पे इस टेंजेंट कमांड पे क्लिक करूंगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों एंटिटी यहाँ पे आपस में टेंजेंट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा मिड पॉइंट ऑप्शन। तो यदि हमें किसी एक लाइन को दूसरे लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करना है तो हम इस मिड पॉइंट कमांड का यूज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस लाइन को इस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मिड पॉइंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इस लाइन के एक एंड पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी इस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड हो चुकी है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा कोइंसाइड। यदि हमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करना है तो हम इस कोइंसाइड कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करना है तो मैं इस कोइंसाइड कमांड पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों लाइन के पॉइंट यहाँ पे आपस में कोइंसाइड हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इक्वल ऑप्शन। यदि हमें कौन से भी दो एंटिटीज को आपस में इक्वल करना है, मीन्स उसके दो डायमेंशन को हमें इक्वल करना है तो हम इस इक्वल कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल कमांड पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इस सर्कल पे क्लिक किया और इस सर्कल पे क्लिक किया तो ये दोनों सर्कल हमारे यहाँ पे डायमेंशन में इक्वल हो चुके हैं और इक्वल कंस्टेंट भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा पैरेलल ऑप्शन। तो यदि हमें कौन से भी दो एंटिटीज को पैरेलल करना है तो हम इस पैरेलल कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और सेकंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की। अब मुझे इस लाइन को और इस लाइन को आपस में पैरेलल करना है तो मैं यहाँ पे पैरेलल कमांड पे क्लिक करूंगा और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते ये दोनों लाइन यहाँ पे आपस में पैरेलल हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस कंस्टेंट टूल बार में जितनी सारी कमांड होती है उन सभी कमांड को डिटेल में सीखा। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे इस डायमेंशन कमांड के बारे में। तो दोस्तों डायमेंशन कमांड सीखने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ किया है। अब यदि आपको इस स्केच को डायमेंशन प्रोवाइड करने हैं तो हम इस डायमेंशन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी हमारे डायमेंशन होते हैं तो मैं यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट डायमेंशन को यहाँ से शो कर लेता हूँ। यदि आपके ज्योमेट्री के ऊपर भी आपको डायमेंशन शो नहीं हो रहे तो आप इस ग्राफिकल विंडो में इस स्केच डिस्प्ले फिल्टर जो ऑप्शन होता है, इस स्केच डिस्प्ले फिल्टर में इस डिस्प्ले डायमेंशन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके डायमेंशन शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे यदि हमें इस ये जो लाइन है इस लाइन के डायमेंशन चाहिए तो मैं यहाँ पे डायमेंशन कमांड पे क्लिक करूंगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मुझे जिस पोजीशन पे डायमेंशन चाहिए उस पोजीशन से माउस का मिडल स्क्रॉल बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडल स्क्रॉल बटन जो यहाँ पे हमने प्रेस किया वहां पे हमारा डायमेंशन क्रिएट हो चुका है। अब इस डायमेंशन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं तो मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ 2500।
तो देखो यहाँ पे एडिट भी हो चुका है और यहाँ पे नया डायमेंशन भी क्रिएट हो चुका है। उसी के साथ यदि आपको इन दोनों लाइन के बीच में भी कितना एंगल है वो एंगल भी आपको यहाँ पे डायमेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन कमांड पे क्लिक करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे माउस का मिडल बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे डायमेंशन रिपीट हो रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे हमें शो कर रहा, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री में हम डबल डबल डायमेंशन नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट को यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन क्रिएट हो चुके हैं। अब इस डायमेंशन को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, इसे मैं यहाँ पे 45 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस डायमेंशन कमांड का यूज करके आप किसी भी एंटिटीज को यहाँ से डायमेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस सर्कल को यहाँ पे डायमेंशन दिया, अब इस सर्कल के रेडियस को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। उसी के साथ दोस्तों यदि आपको आपके ज्योमेट्री में रेफरेंस डायमेंशन क्रिएट करना है, मीन्स आपने सभी डायमेंशन दे चुके हैं लेकिन रेफरेंस के लिए भी आपको एक अलग से डायमेंशन देना है, तो भी आप इस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और यदि आपको इस एज का रेफरेंस डायमेंशन देना है तो इस एज पे ऊपर क्लिक कीजिए और माउस का मिडल बटन स्क्रॉल बटन को प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे रेफरेंस डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिटेल में सीखा इस डायमेंशन कमांड के बारे में। तो इस डायमेंशन कमांड में दोस्तों ये जो पेरीमीटर ऑप्शन होता है, इस पेरीमीटर ऑप्शन पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल बार, तो इस इंस्पेक्शन टूल बार पे भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप इन सभी कमांड को डिटेल में सीख सकते हैं। तो दोस्तों इंस्पेक्शन टूल बार में सबसे पहली कमांड होती है हमारी ओवरलैपिंग ज्योमेट्री कमांड, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है हमारी हाईलाइट ओपन एंड, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है हमारी शेडेड क्लोज लूप, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके बाद दोस्तों होते हैं हमारे टेंजेंट पॉइंट, और लास्ट वाली कमांड होती है दोस्तों हमारी एंटिटी। तो दोस्तों फर्स्ट वाली कमांड होती है हमारी यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्योमेट्री, तो दोस्तों ओवरलैपिंग ज्योमेट्री कमांड का यूज करके आप शो कर सकते हो कि आपकी ज्योमेट्री में कोई वन एज दूसरी एज के ऊपर ओवरलैप्स हो रही है क्या। तो चलिए दोस्तों शो करते हैं, दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एज शो नहीं हो रही है, जिसका मीन दोस्तों यहाँ पे कोई भी वन एज दूसरे एज के ऊपर या वन एंटिटी दूसरे एंटिटीज के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही है। दोस्तों यदि मैं एक लाइन इस अपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दूँ, मैं इस ओवरलैपिंग ज्योमेट्री कमांड पे क्लिक कर लेता हूँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लाइन को ये ब्लू कलर में शो कर रहा है, मीन्स दोस्तों ये हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे एक एंटिटी दूसरे एंटिटीज के ऊपर ओवरलैप कर रही है। दोस्तों ये यूज होता है इस ओवरलैपिंग ज्योमेट्री कमांड का, ये यहाँ से हाईलाइट करता है एंटिटी दूसरे एंटिटीज के ऊपर ओवरलैप कर रही है या नहीं। दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है हमारी हाईलाइट ओपन एंड कमांड, तो दोस्तों इस हाईलाइट ओपन एंड कमांड का यूज करके आप आपके ज्योमेट्री के ओपन एंड को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस कमांड पे क्लिक कर लिया, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये शो कर रहा है कि इस आर्क के दोनों एंड यहाँ पे ओपन एंड है, इस लाइन के ओपन एंड यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों ये यूज होता है इस हाईलाइट ओपन एंड कमांड का, यह ऐसे हाईलाइट करता है आपके ज्योमेट्री के ओपन एंड को। नेक्स्ट कमांड होती है इंस्पेक्शन टूल बार में शेडेड क्लोज लूप, दोस्तों शेडेड क्लोज लूप कमांड का यूज करके आप आपके ज्योमेट्री के किसी भी क्लोज लूप को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, और दोस्तों जो भी क्लोज लूप होता है वो दोस्तों लाइट पिंक कलर से शो होता है। तो दोस्तों मैंने इस कमांड पर क्लिक कर लिया, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्लोज लूप शो हो रहा है लाइट पिंक कलर से। दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट कमांड, तो दोस्तों इस इंटरसेक्शन पॉइंट कमांड का यूज करके आप कौन से भी दो एंटिटीज के बीच में का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से शो कर सकते हैं, और उस पॉइंट की डिटेल भी आप शो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्लिक किया, और उसके बाद दोस्तों मैंने इस आर्क को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोस्तों उसके इंटरसेक्टिंग लाइन को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी शो कर रहा है, उसके बाद दोस्तों इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट कमांड होती है दोस्तों इंस्पेक्शन में टेंजेंसी पॉइंट कमांड, दोस्तों टेंजेंसी पॉइंट कमांड का यूज करके आप आपके ज्योमेट्री में टेंजेंसी पॉइंट को यहाँ से शो कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप उस टेंजेंसी पॉइंट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से शो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद दोस्तों इस आर्क को सिलेक्ट किया, क्योंकि दोस्तों ये आपस में टेंजेंट है।
तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे टेंजेंसी पॉइंट भी शो हो रहा है, उसके बाद दोस्तों टेंजेंसी पॉइंट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे डिटेल में शो हो रही है कि एंगल ऑफ टेंजेंसी दोस्तों यहाँ पे इतनी है। दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है हमारी एनटीटी कमांड। तो दोस्तों एनटीटी कमांड का यूज करके आप कौन से भी एंटिटीज की डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर सकते हो। दोस्तों मैंने एनटीटी कमांड पे क्लिक कर लिया, उसके बाद दोस्तों मैं इस कर्व पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस कर्व पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एंटिटी का आईडी नंबर शो कर रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंटिटी का टाइप शो कर रहा है, यहाँ पे आर्क है ऐसा शो कर रहा है, उसके बाद दोस्तों इस आर्क की यहाँ पे रेडियस शो हो रही है, लेंथ शो हो रही है, यहाँ पे दोस्तों स्लोप एंगल शो हुआ, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन उस आर्क की यहाँ पे शो हुई है। तो दोस्तों यही यूज होता है इस इंस्पेक्शन टूल बार के सभी कमांड का। तो दोस्तों आज हमने इस इंस्पेक्शन टूल बार में सभी के सभी कमांड को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। देखेंगे इस कंस्ट्रक्शन मोड के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो भी ज्योमेट्री ड्रॉ की तब दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ था। यदि हम कंस्ट्रक्शन मोड को ऑन करके ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में क्रिएट हुआ है। मैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है डॉटेड फॉर्म में। तो दोस्तों जो भी ज्योमेट्री आप कंस्ट्रक्शन मोड को ऑन करके ड्रॉ करते हैं उस ज्योमेट्री का दोस्तों जब हम हमारा स्केच 3D में कन्वर्ट करते हैं तो 3D में कन्वर्ट करने के बाद उस ज्योमेट्री का हमारा कोई भी यूज नहीं होता। कंस्ट्रक्शन मोड में हम सिर्फ ज्योमेट्री को रेफरेंस के लिए ड्रॉ करते हैं। यदि आप किसी कमांड में इस कंस्ट्रक्शन मोड से कोई स्केच ड्रॉ करोगे तो वो स्केच हमारा 3D में कन्वर्ट नहीं होता है। 3D में सिर्फ जो स्केच हम कंस्ट्रक्शन मोड को ऑफ रखते हुए ड्रॉ करते हैं, मीन्स सॉलिड जो स्केच होता है वही हमारा 3D में कन्वर्ट होता है। तो मैं यहाँ फिर से इस कंस्ट्रक्शन मोड को ऑफ कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल में सीखेंगे इस ऑपरेशन टूल बार के बारे में। तो दोस्तों इस ऑपरेशन टूल बार में हमारे सिलेक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके अलग अलग टाइप से ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वन बाय वन एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चेन में सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस ऑल में जाके आपके स्क्रीन के ऊपर जितना सारा कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे डायमेंशन ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट सभी के सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे कट, यहाँ से आप आपकी ज्योमेट्री को कट करके किसी दूसरी जगह पे या पेस्ट ऑप्शन का यूज करके पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन होता है, रिप्लेस का होता है कंस्ट्रक्शन का जो हमने यहाँ पे देखा। इस कंस्ट्रक्शन में जाके हम किसी कंस्ट्रक्शन मोड से ड्रॉ की हुई ज्योमेट्री को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉलिड में ड्रॉ की हुई ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल बार होता है दोस्तों हमारा यहाँ पे गेट डाटा टूल बार। तो इस गेट डाटा टूल बार में इस फाइल सिस्टम कमांड का यूज करके हमने ऑटोकैड में या फिर क्रियो के स्केचर या फिर क्रियो के ड्राफ्टिंग में जो ज्योमेट्री ड्रॉ की हुई थी ज्योमेट्री को हम हमारी स्केचर के वर्क बेंच में इंपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स इस फाइल सिस्टम कमांड का यूज करके आप किसी भी एक्सटर्नल स्केच को आपके स्केच में इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है यहाँ पे सेटअप टूल बार। चलिए दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं इस सेटअप टूल बार के सभी कमांड को। तो दोस्तों सेटअप टूल बार में फर्स्ट कमांड होती है हमारी स्केच सेटअप कमांड। तो दोस्तों इस स्केच सेटअप कमांड का यूज करके आप यहाँ से आपके स्केच प्लेन की सेटिंग कर सकते हो या फिर दोस्तों आप आपके स्केच प्लेन का ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिटेल में देखते हैं स्केच प्लेन कमांड को। तो दोस्तों स्केच प्लेन कमांड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पॉपअप विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस पॉपअप विंडो में सबसे पहले होता है हमारा प्लेसमेंट। तो दोस्तों प्लेसमेंट में यहाँ पे स्केच प्लेन लिखा होता है, स्केच प्लेन में हमें शो होता है कि आप किस प्लेन पे स्केच ड्रॉ करने वाले हो। तो दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है कि F1 नाम का जो प्लेन है उस प्लेन पे हम स्केच ड्रॉ करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरो शो हो रहा है वो प्लेन हमारा स्केच प्लेन है, इसी प्लेन पे हम स्केच ड्रॉ करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट होता है आपका स्केच ओरिएंटेशन। तो दोस्तों यहाँ से आप आपके स्केच ओरिएंटेशन को फ्लिप कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको स्केच प्लेन के बैक वाले साइड पे स्केच ड्रॉ करना है तो दोस्तों आप यहाँ से आपके स्केच प्लेन को फ्लिप कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, मैंने स्केच प्लेन को यहाँ पे फ्लिप कर लिया है। ऐसे ही दोस्तों आपको स्केच प्लेन के ऊपर किस साइड से स्केच ड्रॉ करना है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे स्केच प्लेन के ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे फ्लिप कर लेता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट होता है आपका स्केच प्लेन का रेफरेंस प्लेन, यहाँ पे शो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है वो हमारा रेफरेंस प्लेन है स्केच प्लेन का। तो दोस्तों आप यहाँ से स्केच प्लेन का रेफरेंस प्लेन को चेंज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट होता है आपके रेफरेंस प्लेन का ओरिएंटेशन। आपके रेफरेंस प्लेन का ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस प्लेन है वो हमारे स्केच प्लेन के लेफ्ट में है, तो दोस्तों आप यहाँ से उसे बॉटम में कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ से उसे राइट में कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप सिंपली उसे लेफ्ट में ही रहने दे सकते हैं। तो दोस्तों आपके नीड के अनुसार आप यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट होता है स्केच में प्रॉपर्टी। तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे स्केच वन नाम से शो करूँगा। तो दोस्तों मैंने इस स्केच का स्केच वन नाम डिफाइन कर लिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली स्केच पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा स्केच सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम इस स्केच सेटअप कमांड में जाके स्केच सेटअप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों स्केच का ओरिएंटेशन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से ग्रिड को शो या हाइट कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ से आप इस डायमेंशन को शो या हाइट कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट को डिस्प्ले या हाइट कर सकते हैं। उसी के साथ यदि आपको आपके ज्योमेट्री के ऊपर कोई रेफरेंस क्रिएट करना है तो आप यहाँ से रेफरेंस में जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेटअप टूल बार के ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस सेटअप टूल बार को डिटेल में सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस स्केच टूल बार को डिटेल में सीखा। इस स्केच टूल बार का यूज करके क्रियो में हमें यदि कोई स्केच ड्रॉ करना है तो हमें कौन कौन सी कमांड इसेंशियल होती है, उन सभी कमांड को आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में सीखा है। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप क्रियो के स्केच वर्क बेंच को डिटेल में सीख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमने क्रियो के पार्ट वर्क बेंच के ऊपर भी वीडियो बनाए। यदि आपको क्रियो के पार्ट डिजाइन को सीखना है तो आप हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्रियो के पार्ट डिजाइन को सीख सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों इस YouTube चैनल पे मैं मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो अलग अलग डोमेन्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक डिजाइन डोमेन, शीट मेटल डिजाइन डोमेन, ई व्हीकल डिजाइन डोमेन, एडवांस GD&T की ट्रेनिंग, इन सभी टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो अवेलेबल करने वाला हूँ। तो यदि दोस्तों आपको हमारी इस YouTube चैनल पे हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंटेंट आपको डिटेल में सीखना है तो दोस्तों आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट